सो है गाइस, कैसे हो आप लोग? होप कि अच्छे होंगे। आप लोग कुछ इस तरह का फोटो एडिट करना चाहते हो तो हमारे वीडियो को शुरू से क्लास तक देखिएगा। देखिए किस तरीके का ब्लैक टोन फोटो एडिटिंग बनकर तैयार हो गया है। और जो आप लोग भी इस तरह करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से क्लास तक देखते रहिएगा। मैं इस तरह का वीडियो फोटो एडिटिंग में स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा, तो आप लोग देखते रहिए। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मेरा फोटो वाला, देखिए तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ लाइट रूम पर यहाँ से ऐड कर लेना है। शेयर कर लेते हैं लाइट रूम पर, तो मैं भी यहाँ से शेयर कर ले रहा हूँ। तो देखिए मेरा लाइट रूम पर यहाँ पर मेरा फोटो आ गया है। यहाँ पर देखिए कुछ तरीके से। उसके बाद यहाँ से बैग जाना है। बैग जाने के बाद ये वाला मेरा प्लेस्टर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक करना है। कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर जितना सेटिंग है सारी को इनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ सही करके यहाँ से बैग जाना है। बैग जाने के बाद जो अपना फोटो ऐड किए थे उस पर जाना है। फिर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और कॉपी सेटिंग के नीचे पे सेटिंग लिखा है उस पर क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरीके के क्लिक में सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद चलते हैं पिक्सआर्ट ऐप में। आगे जाकर वहीं की प्रोसेस बताता हूँ। ये वाला मेरा पिक्सआर्ट ऐप है। यहाँ से लॉग मांगे वाला दे दीजिएगा। यहाँ से ऑल फोटो पर क्लिक कर लेना है। तो ये वाला मेरा फोटो है, देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ ब्लैक टोन मैं इसी में करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले इफेक्ट पर जाना है। इफेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर कलर खोजना है। यहाँ पर देखिए कलर यहाँ पर मिल जाएगा। कलर खोजने के बाद यहाँ दूसरा नाम पर ये वाला है, उससे यहाँ पर आपने चेहरे पर कुछ इस तरीके से कर लीजिए, कर लेना है कुछ इस। उसके बाद यहाँ से 26 कर लेना ऊपर वाला को। उसके बाद यहाँ सही कर लेना। सही करने के बाद फिर टूल्स पर जाना है। टूल्स पर जाने के बाद यहाँ फिर एडजस्ट पर जाना है, तो कॉन्ट्रास्ट को इतना रख लेना है। उसके बाद ब्राइटनेस को यहाँ पर 27 कर लेना है। इसको 13, क्लियरिटी को 21, सेचुरेशन को यहाँ पर थोड़ा सा रख लेना है। यहाँ हाईलाइट को यहाँ पर 3 के आसपास उसके बाद यहाँ सही कर लेना है। सही कर फिर इफेक्ट पर जाना है, फिर कलर इफेक्ट पर जाना है, और उसके बाद यहाँ पर सेट पर कुछ इस तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ से रेड वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से इरेज पर जाना है। इरेज पर जाने के बाद अपने सिर्फ चेहरे पर से यहाँ से हटा लेना है कुछ, देखिए कुछ इस तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। इसी से लेकर मेरा इस चैनल पर फोटो एडिटिंग वाला वीडियो आते रहता है। उसके बाद यहाँ सही कर लेना। सही करने के बाद फिर बड़ा सही का ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो यहाँ से मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ। आप लोग में